नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश। आप देख रहे हैं इंडियन टेक्नो माइंड चैनल को। दोस्तों, वीवो ने एक अपना नया फ़ोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि वीवो Y93 के नाम से। हालांकि ये फ़ोन पहले ही चाइना में लॉन्च हो चुका था, लेकिन जो दोस्तों जो चाइना में लॉन्च हुआ है Y93 और जो इंडिया में लॉन्च हुआ है Y93, दोनों में काफ़ी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहला जो डिफरेंस है उसमें आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज़ किया गया है जो चाइना में लॉन्च हुआ है, और जो इंडिया में लॉन्च हुआ है वो मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। और जो स्टोरेज थी चाइना में जो लॉन्च हुआ उसमें आपको 64 GB का स्टोरेज मिल रहा था, जो इंडिया में लॉन्च हुआ उसमें आपको 32 GB का स्टोरेज मिल रहा है। तो आज के वीडियो में इसी फोन के बारे में बात करेंगे कि यह फोन कैसा रहेगा आपके लिए, फोन में क्या क्या फीचर मिल रहा है, क्या इस फोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस फोन का कंपेरिजन करूंगा वीवो के Y95 से। जी दोस्तों, ये भी फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है वीवो Y95, और ये भी काफ़ी अच्छा फोन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोनों फोन का कंपेरिजन करूंगा, और काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि दोनों में से कौन सा फोन लिया जाए, किस फोन का कैमरा अच्छा रहेगा, किस फोन का बैटरी अच्छा रहेगा, क्या क्या अंतर देखने को मिलेगा दोनों फोन में। तो मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा फोन आपके लिए। चलिए सबसे पहले बात करेंगे दोनों फोन की डिजाइन और डिस्प्ले की। तो दोनों फोन का डिजाइन एक जैसा आपको देखने को मिलेगा, चाहे बात करूं मैं बैक साइड में या बात करूं मैं फ्रंट साइड में, दोनों फोन का डिजाइन आपको बिल्कुल एक ही तरह देखने को मिलेगा, और दोनों फोन का डिजाइन काफी अच्छा आपको देखने को जरूर मिलेगा। बात करते हैं दोनों फोन की डिस्प्ले की, तो दोनों ही फोन का डिस्प्ले जो रहेगा 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन में से किसी फोन में आपको फुल HD+ डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा, और दोनों ही फोन में आपको वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिल जाएगा। तो कह सकते हैं कि दोनों फोन का डिस्प्ले लगभग सेम बराबर है। वहीं बात करते हैं दोनों फोन की बैक कैमरा की, तो दोनों फोन का जो बैक कैमरा रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा, 13+2 MP का बैक कैमरा दोनों ही फोन में देखने को मिलेगा। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो Y93 में आपको देखने को मिलेगा 8 MP का सेल्फी कैमरा, जो कि अपर्चर 1.8 देखने को मिलेगा। तो लो लाइट में कह सकते हैं कि Y93 में अच्छा सेल्फी पिक्चर देखने को मिल सकता है। वहीं बात करते हैं Y95 की सेल्फी कैमरा की, तो इसमें आपको मिलेगा 20 MP का सेल्फी कैमरा। तो कह सकते हैं कि सेल्फी कैमरा आपका बिल्कुल अच्छा रहेगा Y95 में। अब बात करते हैं दोनों फोन की प्रोसेसर की, तो मीडियाटेक का हेलियो P22 प्रोसेसर मिलेगा देखने को आपको Y93 में, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2 GHz पे रन करता है, 12 नैनोमीटर से बना है। तो कह सकते हैं कि अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा Y93 में। वही बात करते हैं Y95 की, तो इसमें आपको मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर, ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि 12 नैनोमीटर से ये भी बना है, और इसकी जो स्पीड है 1.9 GHz पे ये रन करता है। अब बात करते हैं दोनों फोन की रैम और स्टोरेज की, तो दोनों ही फोन का कह सकते हैं कि सिंगल ही वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि Y93 में आपको देखने को मिलेगा 4 GB रैम के साथ में 32 GB मेमोरी, और Y95 में देखने को मिलेगा 4 GB रैम के साथ में 64 GB मेमोरी। अब बात करते हैं दोनों फोन की ऑपरेटिंग सिस्टम OS की, तो दोनों ही फोन एंड्रॉइड के 8.1 ओरियो पे काम करेंगे, और दोनों ही फोन में आपको बैटरी जो मिलेगी 4030 mAh की बैटरी मिलेगी। तो बैटरी दोनों फोन का एकदम बिल्कुल बराबर रहेगा। अब बात करते हैं दोनों फोन की प्राइस की, तो वीवो Y93 का जो प्राइस आपको देखने को मिलेगा 13,990 रुपया, वहीं बात करते हैं वीवो Y95 की, तो इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा 16,990 रुपया। तो दोस्तों, प्राइस में काफी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन कह सकते हैं कि फीचर में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एक अंतर देखने को मिलेगा कि वीवो Y95 में आपको 20 MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है, और Y93 में आपको देखने को मिलेगा 8 MP का सेल्फी कैमरा। तो सिर्फ सेल्फी कैमरा में ही आपको अंतर देखने को मिलेगा, बाकी कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही फोन में आप नॉर्मल गेमिंग खेल सकते हैं। तो मैं बात करूंगा दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए, तो अगर आप ढूंढ रहे हैं सेल्फी वाला फोन तो आप Y95 को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इन दोनों के अलावा कौन सा फोन लेना चाहिए, तो बहुत सारे फोन आपको मिल जाएंगे, Realme U1 है, Asus ZenFone Max Pro M2 है, Realme 2 Pro है, बहुत सारे और भी फोन मिल जाएंगे इस प्राइस में, आप आराम से जाकर ले सकते हैं। वैसे आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा इन दोनों में से कौन सा फोन आपको अच्छा लग रहा है, जरूर बताइएगा, क्या इन दोनों में से कोई फोन आप खरीदेंगे जरूर ये भी बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए स्मार्टफोन की अपडेट सबसे पहले लाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।